26 तारीख को हम दोनों फोरम पंजाब में चार पॉइंट्स पर पक्का जड़ा हैगा रोड जाम कर रहे हैं। वो जड़े चार पॉइंट है वो एक माझे में है बटाला, सेकंड है अपना दुआबे में फगवाड़ा, वो पहली चल रहा, दो मालवे में है, एक संगरूर दा पैंदा पॉइंट बड़बर और मोगे दा जड़ा लुधियाणा फिरोजपुर रोड ते मोगे दा पॉइंट पैंदा डगरू डगरू फड़ के कह दिंदे। ये चार पॉइंट पर हम 26 तारीख को एक बजे से शुरू करके लगातार जड़ा हैगा ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੋਂ ਦੀ ਮੰਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 180 ਔਰ 185 ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो अपने कटारू चक जी है अपने मंत्री है पंजाब दे उन्हां दी स्टेटमेंट है जां उन्हां दी जे आपां जिहड़ी हुण टोटल लाउणी होवे ना माउंट 185 लख मीटरिक टन दी 185 लख मीटरिक टन कल्ले 85 नहीं तां उहदी जिहड़ी हुण दी कीमत मुताबक उह लगभग 43 हजार करोड़ दी अमाउंट बनदी। हां अच्छा ओदे विच खरीदारी इन्हां दे बयान मुताबिक की है सिर्फ तीन पंजाब जो कटारू चक जी का बयान है उसके बयान के अनुसार ही 3000 करोड़ की हुई है। इहदा मतलब 40000 करोड़ की नहीं हुई। उसका कारण क्या है? 80% अजे नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? उसका कारण जे आए नहीं भी हुण मतलब झोना बिल्कुल कोई बारिश नहीं हुई इतकी कुदरत प्रकृति की भी कृपा रही है कोई बारिश नहीं हुई मौसम सुखा साफ है और 1 अक्टूबर से कटाई होनी शुरू हो गई मंडी च आना शुरू हो गया अज 25-24 अक्टूबर हो गया तो मतलब बिल्कुल सुखा माल आ रहा सुखी माल के आने के बावजूद भी जे प्रोक्योरमेंट है जो मंडी में खरीद और चुकाई है उहदी ओह नहीं हो रही उहदा इक्को ही कारण है बई जो सेंटर सरकार ते पंजाब सरकार दोने रल के किसान नूं जिहड़ा हैगा ओह पंजाब दीआं सरकारी मंडियां हौली हौली इहनां दीआं इहनां नूं खत्म करन दी ए पॉलिसी है इक ए पॉलिसी पहले भी ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ WTO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਜੀ देखो जी कोई जेड़ा कोई कारगुजारी है ना पंजाब सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार की जो कारगुजारी हुण अब तक की कारगुजारी है बिल्कुल साडे हमारे हिसाब से पिछले हिस्ट्री दे विच सब तो कमजोर है जेड़ा वीक CM है जो ਉਹ ਜਿਹੜਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ देखिये जी यही असि कहने ना वेखब जेड़ा पंजाब का यह किसान है पंजाब का एग्रीकल्चर है जो कह लो ओह कादी खतर है देश की खतर है ना देश की इकोनोमी दे विच बड़ा योगदान है खेती का इंडस्ट्री नालों दूसरिया सेक्टर नालों ये तो आप जानते हैं ना आप अभी पढ़े लिखे हैं भी जेड़ा रीढ़ की हड्डी ऐसे करके कहते हैं ना खेती को भी वो जिहड़ी इंडिया की आर्थिकता है जिहड़ी अनाज दियां लोड़ां हैगियां ने ओह जिहड़ियां खेती चो पैदा हुंदियां दूसरियां भी जे उहदी खातर जिहड़ा पैदा कर रहा प्रोड्यूसर है वह अज मर रहा होवे वह अज खुदकशी कर रहा कर्जे कारण
जे ओनू बचाउण दी खातर असीं असता अपील करांगे लोकां नूं भी इह जिहड़ा मर रहा इह तुहाडी खातर पैदा करदा, तुहाडी खातर पैदा होया अज इह खुदकुशी कर रहा, जे हुण इहनूं ना पूरा भाव मिलिया जो 2300 लेकिन आम जनता इसमें पिछती है, पिछली बार भी किसी भी अपील पिछेगी तो इस पे क्या कहेंगे आप? आम जनता तो यही कहती है आप जाके लीडरों को बुलाओ, सीएम को लड़ेंगे वो जनता आपके साथ, लेकिन जब जनता देखिए लीडरों का ग्राह भी होया और एक संगठन है पंजाब का, वो पंजाब के जो मंत्रियों के घरों के आगे और बीजेपी के जो नेता है उनके घरों के आगे टोल प्लाजे के आगे बैठे है, वो ग्रो किया हुआ है और मंत्री जी बाहर है, कोई उसका असर नहीं पड़ रहा, कोई कोई असर नहीं पड़ रहा, एक हफ्ते से बैठे है। हाँ असि देखो जी, देखो तुसी कोई भी वर्ग जो अपने स्ट्राइक करता है, मान लो हुण पिछले दिन डॉक्टर ने स्ट्राइक की अपने, ता उदो जेडे मरीजा जेडे मरीज जांदे आ वो उन्हां नूं परेशानी तां आउंदी है जदों हस्पताल बंद हुंदा, ओपीडी भी बंद हो जांदी है, सो वकील हड़ताल करदे आ, ता जेडे ओह सामियां हुंदियां वकीलां दियां अगले दा किसे दा किसे दी गवाही हुंदी है, किसे दा कुछ हुंदा, अगला जाके मुड़िया आउंदा तारीख लैके मुड़िया आउंदा, महीना महीना हड़ताल चली जांदी है, जो भी कोई वर्ग करदा डॉक्टर करदे आ ओह करदे ने, ता ओह मतलब परेशानी तां आउंदी ही है थोड़ी। हां जे तुहानूं ऐ समझिया जावे भी असीं तां किसान लोकां नूं समझावांगे जिहड़ी आम जनता भी भाई इह परेशानी आ जिहड़ी इह जिहड़ी तुहानूं आ रही है इह कोई साडा शौक नहीं, इह मतलब मजबूरी है, तुसीं सानूं कोआपरेट करो। हां जी जी, असि भी असि नहीं चाहते, देखो जी सरकार ने जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उनकी भी जो रिपोर्ट है उनमें भी कहा भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन किसान को दिया जाए पराली की आग लगाने तो रोकने लिए उदी उन्हें खेत दे विच नहीं नहीं एक सिर्फ कहने की बात है मिल नहीं रहा, किसान ने तो ये भी कह दिया भी जो हम रिपर होता है रिपर जड़ से और पराली को काट देता है वो उसके बाद जो रिपर काट देता है ना उसके बाद उसकी गांठ बनती है, किसान कहता भी हम कोई एक पैसा नहीं लेंगे सिर्फ फ्री में रिपर में काट कर सरकार को दे देंगे, सरकार आप अपनिया मशीना भेज के ओ दूसरा अपनिया गठा बना के ले जाए, असि कुछ नहीं लेना, साडा खेत खाली हो जाए ताकि असि कणक बीज सकगे असि आलू बीज सकगे, पर कोई नहीं रिपर भी ओ दूजा मशीन नहीं कोई भेज रहा, कोई मशीन एक भी नहीं आ रही कोई, ओ सिर्फ ओ ए कह रहे है भी तुसी सोनू आप ले लो मशीना तुसी जिहड़ियां गठा बनाउण वालियां सानू सबसिडी दे देंगे, हुण हरेक किसान दसो किवें लै लैणगे, इस करके हल नहीं उहनां दा, सिर्फ असीं समझदे उह वी रिप्रेशन है, इक जुर्माने करने उहदा रेजुलेशन करना चाहीदा, सानू कंपनसेशन देण ਉਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 5000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 4-5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।